गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर। टुडे वी विल डिस्कस अवर 12th चैप्टर कैंपिंग। कैंपिंग मीन्स फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स जैसे मिलकर कहीं भी मतलब वॉक पे जाते हैं, या फिर जैसे भी कहीं भी इकट्ठे मिलकर पार्क वगैरह में बैठ जाते हैं और वहां जैसे स्टोरी टेलिंग, पोएम रिसाइटिंग, या फिर जैसे कि गेम्स भी खेल सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी को करना क्या कहलाता है? कैंपिंग। और कैंपिंग करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, बट सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कैंपिंग में आती है और स्टूडेंट्स कैन डू दीज एक्टिविटीज़। अवर फर्स्ट एक्टिविटी, यू मेक अ ट्रिप ऑन फुट थ्रू माउंटेनियस एरिया फॉर ए फ्यू डेज, एंजॉय नेचर। ऐसी कैंपिंग करना कि फ्रेंड्स मिलकर मतलब पैदल ही कोई माउंटेन पे जाते हैं और वहाँ कुछ दिन मतलब एंजॉय करते हैं नेचर को, तो ऐसी कैंपिंग को क्या कहते हैं? ट्रैकिंग। ऐसी कैंपिंग को क्या कहते हैं? ट्रैकिंग। सेकेंड है, यू कैन सिंग सॉन्ग्स, डांस, प्ले इंस्ट्रूमेंट्स एंड एंजॉय टुगेदर इन द ग्रुप। मीन्स आप ग्रुप में सॉन्ग भी गा सकते हो, डांस भी कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि किसी को कुछ वायलिन वगैरह बजाना आता है तो वो भी जो है प्ले कर सकते हो और एंजॉय करते हो ग्रुप में, तो उस इस तरह इस टाइप की कैंपिंग को क्या कहते हैं? कैंप फायर। कैंप फायर। नेक्स्ट है, दिस हॉबी कैन ब्रिंग लोड्स ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। इस तरह की जो मतलब कैंपिंग है, जैसे कि दिस हॉबी कैन ब्रिंग लोड्स ऑफ एप्रिसिएशन, इस हॉबी में जो है आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, मतलब परिवार या फ्रेंड सर्कल की तरफ से आपको अप्रिशिएट किया जाता है। और जैसे इसमें कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है आपकी हॉबी से रिलेटेड, तो इसको हम बोलते हैं कुकिंग डिलीशियस फूड। जैसे हॉबी फॉर एग्जांपल गर्ल से रिलेटेड होती है कि वो कुकिंग का शौक होता है, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा बनाती है। जब वो डिलीशियस कोई भी ऐसा जो है थिंग्स बनाती है तो फिर जब मतलब उसको जो है अप्रिशिएट भी किया जाता है, तो इस टाइप की कैंपिंग को हम कहते हैं कुकिंग डिलीशियस फूड। अवर आंसर इज डी, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन में इसका डी आंसर है, कुकिंग डिलीशियस फूड। कुकिंग डिलीशियस फूड। नेक्स्ट है फोर्थ जो कैंपिंग है, आफ्टर अ डे कैंप, मतलब कि कैंप करने के बाद यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ बाय रीडिंग अ बुक और राइटिंग नोट्स अबाउट हाउ यू स्पेंट योर कैंप डे। कि आपने जो है कोई भी कैंपिंग पे आप गए हो, उसके बाद अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट करते हुए आप जो है कोई भी बुक रीड कर रहे हो या फिर कोई नोट्स राइट कर रहे हो कि आपने अपना डे जो है या फिर अपने आपका कैंप जो है कैसा रहा, इसके रिगार्डिंग जब आप कुछ ऐसा करते हो तो उसको बोलते हैं रिक्रिएशन। क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन। कि आप जो आपने कैंप में मिलकर क्या किया, क्या सीखा, तो इसको बोलते हैं रिक्रिएशन। अब आता है नेक्स्ट रियल लाइफ में, जैसे कि नो द फैक्ट में फर्स्ट है, कैंपिंग स्टार्टेड मोर देन 150 इयर्स। कैंपिंग जो है कब स्टार्ट हुआ था? 150 इयर्स बैक। मतलब कि इसको कैंपिंग को जो है इस तरह की एक्टिविटी करते हुए इतना इयर्स मतलब इतना पुराना जो है ये एक्टिविटी है, 150 इयर्स जो है पुरानी ये एक्टिविटी है। कैंपिंग एज एन एक्टिविटी हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर एज इट इंटरेस्ट ऑल द ओल्ड एंड द यंग। मतलब कैंपिंग करना ऐसा नहीं है कि भी मान लो जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में ही ये जो है कैंपिंग कर सकते हैं, ओल्ड भी और यंगस्टर भी, मतलब किसी भी एज में जो है कैंपिंग की जा सकती है। जैसे कि हमारे ग्रैंड फादर्स हैं, वो भी मिलकर किसी एक टॉपिक पे बैठ के उस पर डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी एक टाइप की कैंपिंग ही होती है। इन रियल लाइफ भी
बी एडवेंचर्स, गो कैंपिंग विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. आपको जो है एडवेंचर्स मीन्स साहसी बनना चाहिए. गो कैंपिंग विद योर फ्रेंड्स, आपको जो है कैंपिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर्स के साथ जाना चाहिए. एंजॉय योर सेल्फ, एडमायर नेचर, बट एट द सेम टाइम आपको एंजॉय भी करना चाहिए, एडमायर मतलब नेचर को भी अच्छे से देखना चाहिए, उसको एडमायर करना चाहिए, मीन्स अप्रिशिएट करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम क्या करना चाहिए, लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपने आप की भी केयर करनी चाहिए. योर फ्रेंड्स एंड बी सेफ, अपने फ्रेंड्स की भी जो है केयर करनी चाहिए और बी सेफ, सुरक्षित भी रहना चाहिए. इस तरह की जो कैंपिंग करते हैं उससे जो है स्टूडेंट लाइफ में या फिर यंगस्टर जो होते हैं वो इस तरह की कैंपिंग करते हैं तो उनके अंदर एक मतलब कि कुछ जैसे कि क्वालिटीज भी क्रिएट होती हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की अगर हम कैंपिंग अगर फ्रेंड सर्कल में करते भी हैं तो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस और टीम वर्क, टीम में काम करना भी हमें हम सीख जाते हैं. कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है. अपनी केयर और अपने फ्रेंड्स की केयर करना भी सीखते हैं. अलर्टनेस आती है, जैसे कि हम कहीं भी बाहर जैसे कि माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं तो हम बिल्कुल अलर्ट रहते हैं. एंजॉयमेंट भी करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें बहुत कुछ इसमें जो है कैंपिंग में सीखने को मिलता है. नेक्स्ट है हमारा क्विज टाइम. What is a must to carry on a camping trip? अगर आप कोई कैंपिंग ट्रिप पे जा भी रहे हैं तो कौन कौन मतलब क्या ऐसा है जो सबसे जरूरी अपने साथ लेके जाना चाहिए. जैसे फर्स्ट है पार्टी ड्रेस, सेकेंड है फर्स्ट एड किट, थर्ड गिटार एंड फोर्थ अम्ब्रेला. तो इनमें से कौन सा मस्ट है जो हमें लेके जाना चाहिए? यस आंसर इज बी, फर्स्ट एड किट. मीन्स कहीं भी किसी को कुछ भी ऐसा हो जाता है तो हमें जो है जब भी किसी भी ट्रिप पे जाएं तो है फर्स्ट एड किट जो है हमेशा साथ होनी चाहिए. कैंपिंग इज एन आउटडोर एडवेंचर, अ लर्निंग एक्सपीरियंस. मीन्स इनमें से क्या है कैंपिंग? एन आउटडोर एडवेंचर, यस आउटडोर होता है क्योंकि घर में तो इस तरह की कैंपिंग की नहीं जाती. सेकेंड है लर्निंग एक्सपीरियंस, यस इससे जो है सीखने को भी मिलता है. थर्ड है आपका जो है एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस, यस इसमें एंजॉय भी करते हैं. ऑल ऑफ दीज अवर आंसर, व्हाट इज आंसर? ऑल ऑफ दीज, तो इसमें डी जो है हमारा राइट आंसर है. ऑल ऑफ दीज मीन्स लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है इसमें, एंजॉयबल एक्सपीरियंस भी होता है और आउटडोर एडवेंचर भी है. तो आंसर हमारा रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज. नेम अ फेमस कैंपिंग स्पॉट इन इंडिया. इंडिया में जो फेमस कैंपिंग स्पॉट है वो कौन सा है इंडिया के अंदर? जैसे फर्स्ट है स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, सेकेंड पुष्कर राजस्थान, थर्ड है अंजुना गोवा, गोवा में अंजुना प्लेस है, हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली है, राजस्थान में पुष्कर है. तो इनमें से कौन सा जो है कैंपिंग स्पॉट है? डी है हमारा आंसर, ऑल ऑफ दिस. मीन्स ये तीनों ही इंडिया में ये तीनों प्लेसेस जो है कैंपिंग के लिए बेस्ट है. तो हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस. यस बेटा, यू विल लर्न एंड विच क्वालिटी वी कैन इम्प्रूव इन अवर सेल्फ बाय कैंपिंग. ओके बेटा, थैंक यू.